दोस्तों आज सोच रहा था आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि स्पीकर कैसे साफ करना होता है, आपके मोबाइल फोन में आवाज़ कैसे बढ़ा सकते हैं मोबाइल फोन में, ये सोच रहा था। मगर यार आज तुम्हारे भाई के साथ एक सीन हो गया। कस्टमर का फोन है, ये ग्रीन लाइन इशू आ गया मोबाइल फोन में। अब ये कैसे आया है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, और इसके साथ साथ है ना मैं आपको कुछ सीरियस बातें भी करना चाहूंगा यार, कि कल इंटरनेट पे किस तरीके से लोग बाग गाइड करते हैं पब्लिक को, जिसकी वजह से पब्लिक डरी डरी फिरती है कि यार मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरे फोन के साथ कहीं ग्रीन लाइन इशू ना आ जाए। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा आपके मोबाइल फोन में ये ग्रीन लाइन इशू कैसे आता है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। इसे वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इंटरनेट पर है ना भ्रमित किया जाता है कई वीडियोस के द्वारा, जैसे कि ना कई बंदे अपना ज्ञान देने लग जाते हैं कि भाई ग्रीन लाइन इशू है ना सॉफ्टवेयर की वजह से आ रहा है, कंपनी ने कोई अपडेट दे दिया मोबाइल फोन में, तो पब्लिक डर जाते हैं कि यार एक बंदे की मैंने वीडियो देखी थी, उसने कहा था कि सॉफ्टवेयर अपडेट मत करना वरना ग्रीन लाइन इशू आ जाएगा। भाई ऐसा है ना, ये भ्रमित किया जाता है। जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्क्रिप्ट पढ़ के कहीं से इंटरनेट से पढ़ के वीडियोस पे व्यूज पाने के लिए ऐसा बता देता है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको आज मैं एक क्लियर कट बात बता देता हूं कि जो ग्रीन लाइन इशू होता है ना, ये नॉट अ सॉफ्टवेयर इशू, दिस इज अ हार्डवेयर इशू। इस बात को जान लीजिए, क्योंकि हम सारा दिन डिस्प्ले रिपेयर करते हैं भाई, और जो बंदा रिपेयर करता है उससे बढ़िया कौन बता सकता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं से बात बना के बोल रहा हूँ, आपने मेरी वीडियो देखी भी है। तो भाई रिपेयर करता हूँ तो हमें पता होता है ये ग्रीन लाइन इशू कैसे आता है। अभी ये मैं खोलने जा रहा था बस इस फोन को, इसमें मैंने एक काम किया उसकी वजह से ग्रीन लाइन आ गई। कस्टमर वहीं खड़ा था देख रहा था, तो कस्टमर के भी समझ में आ गया, कस्टमर ने भी कुछ नहीं बोला, वो समझ गया इस चीज को कि ग्रीन लाइन क्यों आई है। अब जानते हैं इसमें गलती मैंने क्या करी। गलती मैंने ये कर दी यार कि इसमें मैंने हैवी वोट का चार्जर लगा दिया, वूप का चार्जर लगा हुआ था मेरे पास अडेप्टर, और मैंने डाटा केबल इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, एकदम से ये ग्रीन लाइन आ गई। एलसीडी में भी ग्रीन लाइन आती है भाई, किसने कहा नहीं आती है, ये एलसीडी तो है, इसमें भी आती है। जितनी भी डिस्प्ले होती है ना, डिस्प्ले आपने सुनी होगी आईपीएस डिस्प्ले, एलसीडी, टीएफटी, एमोलेड, एलईडी, सुपर एमोलेड, पीओलेड, जितनी आपने सुनी होगी ना सब में आते हैं ग्रीन लाइन इशू। अच्छा ये मैं आपको एक एलईडी दिखाता हूँ पहले, ठीक है, ये एलईडी है ना, तो आप ना ध्यान से समझना दोस्तों, एक बार इस कंसेप्ट को समझ लेना तो सारी जिंदगी कभी नहीं भूल पाओगे कि ग्रीन लाइन इशू क्यों आती है मोबाइल फोन के अंदर। देखो ये मैंने इसका पत्ता यहाँ से ऐसे हटा दिया आपको दिखाने के लिए, अब इसके पत्ते को ना ध्यान से देखना। ये आपको ट्रैक से जाते दिख रहे हैं ना, तार तार से दिख रहे हैं बहुत सारे। आपको एक एलसीडी भी दिखा देता हूँ, ये एलसीडी है, ठीक है, और यही चीज एलईडी में भी होती है, दिखाई दिया। अब जिन भाई को नहीं पता ना, जो भाई बेकार के इंटरनेट पे बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इशू आ जाता है, भाई कंपनी वाले करके नहीं, क्यों नहीं देते, कंपनी वालों की गलती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हार्डवेयर इशू होता है, ये हमारी खुद की गलती होती है ना कि कंपनी वालों की। मैं आपको इस वीडियो में ऐसी बातें बताऊंगा कि आप ये गलतियां करनी छोड़ दोगे आज के बाद। देखो इसमें तार तार से दिख रहे हैं ना, जो पत्ता है इनमें से एक वायर भी अगर कनेक्टिविटी छोड़ देगा ना, ये यहाँ पे चिपका हुआ होता है, पेस्ट होता है, और अगर एक भी कनेक्टिविटी छोड़ देना तो उस जगह से आपकी ग्रीन लाइन आ जाती है। हार्डवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर इशू नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता, और सॉफ्टवेयर से इसको कोई सोल्व नहीं कर सकता। ये कहने की बातें होती है कि भैया मैंने अपडेट किया था उसके बाद से हो गया, अपडेट किया था, आपको बताऊं जिस भाई के पास अगर ऐसी प्रॉब्लम आई हो ना, वो ये कहे कि मैंने अपडेट कर रहा था, तो ध्यान देना उसका फोन चार्जिंग पे लगा होगा उस टाइम पे। अब मैं आपको बताता हूं इस फोन में ग्रीन लाइन क्यों आई, आप वीडियो देख ही रहे हो आपके सामने है, मैंने चार्जर लगाया एकदम से लाइन आ गई। वो जो चार्जर है ना पहले, उससे पहले एक वीवो के फोन में लगा हुआ था, उसे चार्ज कर रहा था, वो चार्जर खराब नहीं है मगर वो हैवी वोल्टेज का है, क्योंकि डाटा केबल जब लगी होती है ना चार्जिंग पे तो ये यहाँ से आगे से पिन गर्म हो जाती है कभी कभी, उनका प्रॉपर चार्जर नहीं होता ना, तो आप उस पर ध्यान देना। आपका एक तो ये यूएसबी पॉइंट जो होते हैं ना, यूएसबी की तरफ से टाइप ए इसको बोलते हैं, ये टाइप ए गर्म मिलेगा आपको और ये भी गर्म मिलेगा, तो ये गर्म गर्म मैंने इसमें डाल दिया। अब जैक डालने का मतलब ये होता है, देखो ये जैक है ना, मैंने इसमें डाटा केबल लगा दी, अब जो पत्ता है ये डिस्प्ले का वो नीचे की साइड में होता है ना, ये पत्ता नीचे की साइड में होता है, अब ये गर्म हो गया ना ये ट्रैक छूट जाते हैं, गर्म हो गया ये पत्ता ढीला हो जाता है भाई, इसकी वजह से ग्रीन लाइन आती है। कई बंदे पता क्या करते हैं, वो यूट्यूबर्स की वीडियो देख लेते हैं कहीं, और फिर उसके बाद सर हो जाते हैं सर्विस सेंटर में जाके, भाई मैंने तो सॉफ्टवेयर वो अपडेट किया था, आपका अपडेट आया था उसके बाद ये प्रॉब्लम आई, तो अपडेट के बाद नहीं आती भाई ऐसी प्रॉब्लम, ये हार्डवेयर प्रॉब्लम होती है। आपको अब मैं कुछ सावधानियां बता रहा हूँ जो आपके फोन में कभी भी ग्रीन लाइन इशू कभी नहीं आएगा। एक तो सबसे पहले तकिए के नीचे रखना बंद करो भाई मोबाइल फोन को, देखो ये कर्व डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले वाला फोन है, कर्व डिस्प्ले में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्यों, क्योंकि इसका जो गिलास होता है ना घुमावदार होता है, और ये जो डिस्प्ले बनाने का जो एक मोटिव था ना कंपनी का, सारी कंपनियां जानती है कि ये डिस्प्ले कमजोर रहती है,
फ्लैट डिस्प्ले के मुकाबले में। फ्लैट डिस्प्ले अगर गिरेगी उसमें कम प्रॉब्लम आएंगी, टूटेगी भी कम, और ये जब फोन गिरता है ना तो भाई ये ज्यादा ही टूटता है, कर्व डिस्प्ले वाला फोन। अब चाहे आपको एड कैसी भी दिखाई जा रही हो, मगर इसके अंदर पेपर डिस्प्ले होती है जो बहुत जल्दी अपना साथ छोड़ देती है इनसे, इस पत्ते से, ठीक है। अब वो क्यों, कई बार ऐसा होता है कि हम टेम्पर्ड गिलास लगा लेते हैं, उसका जो पानी पानी होता है वो साइड में चला जाता है, वो भी अगर पत्ते पे जाएगा तो पत्ता ढीला होकर साथ छोड़ देगा। पेस्ट अगर साइड साइड में गया तो ये पत्ता डिस्प्ले का साथ छोड़ेगा, वहां से फिर आपकी ग्रीन लाइन आनी शुरू हो जाएंगी। एक प्रॉब्लम ये भी होती है, और एक चीज ये होती है, जैसे हम तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं ना रात को, कि हमने फोन को यूज किया उसके बाद तकिए के नीचे रख के और सो गए, तो इससे पता क्या होता है, इस तरफ से जब दबेगा ना फोन, पत्ता होता है डिस्प्ले का तो दब जाएगा। पत्ता अगर दब जाएगा ना तो फिर ये जो वायर है ना, इतनी सारी जो जा रखी है मैंने आपको दिखाई थी अभी, सारी वायर्स में ना एक आधी वायर्स भी अगर ढीली हो जाती है ना, उस जगह से ग्रीन लाइन आ जाती है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है, एक तो पहला तो ये हो गया, दूसरा आपको ये बताता हूँ, कभी भी है ना दूसरे फोन का चार्जर मत यूज किया करो भाई, दूसरे फोन का चार्जर बिल्कुल यूज मत किया करो। कई बंदे ना पता इंटरनेट पे ऐसे कहते हैं, स्मार्टफोन लगा दो यार चार्जर, कोई भी किसी में भी यूज कर सकते हो। भाई आप उनके कहने से यूज करना शुरू कर दो भाई, जिस फोन की कैपेसिटी है ही नहीं, मान लीजिए किसी को एक फोन की कैपेसिटी कंपनी वालों ने बनाई है कि भैया 10 वोल्ट सपोर्ट करेगा ये चार्जर, अब उसमें आप लगा रहे हो 30 वोल्ट, तो भैया फिर उस हिसाब से कंपोनेंट नहीं लगाए ना भाई, हम रिपेयर करते हैं, हमें तो इन चीजों की नॉलेज होगी, उस हिसाब से तो उसके अंदर कंपोनेंट नहीं लगाए ना कंपनी वालों ने, उसने जो डायोड लगाए हैं, जो रेजिस्टेंस लगाए हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, जो पार्ट्स चार्जिंग के लिए यूज होते हैं, वो लगाए नहीं है उसने 30 वोल्ट के हिसाब से, तो भैया वो 30 वोल्ट का चार्जर जब जाएगा तो उन पार्ट्स को गर्म कर देगा, और गर्म होगा नीचे की साइड से तो गर्म होते डिस्प्ले भी गर्म होगी, चार्जर लगाया आपने डिस्प्ले गर्म होगी एकदम से, और वो लाइन आपकी एकदम से आ जाएगी। कुछ बंदे अक्सर ऐसा करते हैं कि फोन चार्जिंग पे लगा देते हैं और अपडेट लगा देते हैं कि पता नहीं अपडेट कब तक चलेगा इसलिए चार्जर लगा देता हूँ, भाई चार्जर से गर्म करेगा उसके बाद अपडेट हो रहा है आपका फोन, और जब अपडेट होता है ना तो आपके मोबाइल फोन के सारे पार्ट्स के जितने सॉफ्टवेयर होते हैं ना, कैमरे का हो गया या फिर ऑडियो सेक्शन का हो गया या नेटवर्क सेक्शन का हो गया, बहुत सारे अपडेट उसमें आते हैं, तो सारे सेक्शन मिलके जब काम करना शुरू करते हैं तो सीपीयू थोड़ा गर्म होने लगा, तो फोन भी गर्म हो जाता है उस कंडीशन में। अब आपने चार्जर भी लगा दिया उसमें तो भैया उस कंडीशन में ग्रीन लाइन इशू आ जाती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी हो तो हो सकता है, जो इशू आता है ना ग्रीन लाइन इशू, और इसे फिक्स भी किया जा सकता है, इसका सोल्यूशन है पता ऐसे निकलता है, जो पत्ता होता है ना ये डिस्प्ले का ये वाला, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे निकाल के पत्ता देखना, यहाँ से ये हट गया, हट रहा है ना, हट गया पूरा पत्ता भी हटा के दिखाया ना आपको, इस पत्ते को दोबारा यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है, इसके जो सारे ट्रैक होंगे ना, सारी पिंस जो होंगी वो रख के, फ्लेक्स बॉन्डिंग मशीन होती है, फ्लेक्स बॉन्डिंग मशीन मैंने आपको एक बार दिखाई भी थी, वीडियो में दिखाई भी थी मैंने, तो फ्लेक्स बॉन्डिंग मशीन से इसको पेस्ट किया जाता है भाई, बाद वो डिस्प्ले पे ग्रीन लाइन इशू हटता है, नहीं हटता। देखिए अगर कंपनी वालों के हम सर हो जाए, कोई भी कंपनी वाला अपनी जेब से पैसे नहीं भरता, देखो मोबाइल फोन जो तैयार होता है ना, काफी अलग अलग कंपनियों से पार्ट्स ले लेकर एक मोबाइल फोन तैयार होता है, ये नहीं कि एक ही कंपनी सारी चीज कर रही है। अगर मान लीजिए कोई वीवो का फोन है तो वो पता क्या करता है, प्रोसेसर किसी और कंपनी से लेता है, डिस्प्ले किसी और कंपनी से लेता है, स्पीकर किसी और कंपनी से, आपने सुना होगा ना ऐसा कि कैमरा में फोन में दिया गया सोनी सेंसर, तो भाई वो सोनी के फोन से ले रखे हैं कैमरे, और डिस्प्ले ले रखे हैं सैमसंग वालों से, प्रोसेसर ले रखे हैं इंटेल की कंपनी से, तो कई तरह की चीजें जो होती है ना मार्केट, इन सबको खरीद के एक फोन तैयार किया जाता है। अब आप मान लीजिए हम चले जाएं सर्विस सेंटर, ये कह के भाई मेरे फोन में तो ग्रीन लाइन आ गई, इसे ठीक करके दो, ये तो गारंटी, एक साल की गारंटी है भाई इसकी, तो ये क्या हुआ, ये हार्डवेयर इशू। और कोई भी कंपनी है ना हार्डवेयर प्रॉब्लम की गारंटी नहीं देती है, सॉफ्टवेयर की दे सकती है मगर हार्डवेयर की नहीं देती कि भैया गिरा के ले आओ उसके बाद भी हम ठीक करके देंगे, ऐसा नहीं होता। आप भी मान लीजिए आप भी तो बिजनेसमैन होंगे ना, आपने भी कभी ना कभी बिजनेस किया होगा, मान लीजिए आपकी दुकान से कोई अंडे ले जाए और वो रास्ते में तोड़ के ले आए, उसके बाद आपके सर हो जाए भाई मुझे तो अंडे साबुत चाहिए यार, ये तो टूट गए, तो भैया वो तोड़े तो उसने ना, लेके तो गया था साबुत ही। तो इसी तरीके से है ना कंपनी वाले इसीलिए इस चीज की गारंटी नहीं देते ग्रीन लाइन इशू के लिए, से भी प्रॉब्लम आती है। ये जो पत्ता मैंने आपको बता दिया और यहाँ पर चार्जर लगता है ना, जब गरम गरम चार्जर अगर आपने लगा दिया तो ये डिस्प्ले की जगह से गर्म हो जाएगा, और उस जगह से एक आधा पॉइंट भी अगर हट जाएगा ना इसका, तो ग्रीन लाइन आ जाएगी डिस्प्ले के अंदर। अगर कंपनी वाले काम करने लगे ग्रीन लाइन इशू हटाने के लिए, डिस्प्ले चेंज करने लगे, तो वो तो थोड़े दिनों में कंपनी बंद हो जाएगी पूरी, तो इसीलिए वो गारंटी नहीं देते हैं इस चीज़ की। भाई देखो इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियो आपको ऐसी मिल जाएंगी कि जो आपको भ्रमित करते हैं, डरा भी देते हैं एकदम से कि सॉफ्टवेयर अपडेट मत करना भाई ग्रीन लाइन आ जाए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई मैं सर्विस सेंटर वालों की तरफ से बोल रहा हूँ, देखो सॉफ्टवेयर अपडेशन प्रॉब्लम तो आती है, ये मैं मानता हूँ, कई बार ऐसा होता है कंपनी वाले स्लो कर देते हैं मोबाइल फोन को,
एक साल के बाद ही, मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको कि वो इस चीज़ का तो मैं मान सकता हूँ कि वो स्लो कर देते हैं आपके मोबाइल फ़ोन के, या फिर कैमरा क्वालिटी कम हो जाएगी आपकी, या फिर आपके फ़ोन में बैटरी इशू आ सकता है, आपकी बैटरी कम बैकअप देने लग जाएगी। इसे घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है यार आपका बिट्टू भाई, ये चीज़ें बताने के लिए आपको। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ वहाँ से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।